हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी चैनल मिसो एंड समर व्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे अच्छे हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं अपने व्लॉग की शुरुआत क्लीनिंग से कर रही हूँ। वैसे तो मुझे मॉर्निंग से ही व्लॉग की शुरुआत करनी थी ब्रेकफास्ट से, लेकिन वो मैं कर नहीं पाई क्योंकि मुझे साड़ियाँ करने के लिए बैठना था, इसलिए मैं कर नहीं पाई हूँ। तो यहाँ से मैं क्लीनिंग से शुरुआत कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने बियर्ड को सही कर लूँगी और जो भी जो सामान है उसको मैं सही से रख दूँगी, क्योंकि अगर जो सामान फैला रहेगा तो कितना भी क्लीन कर लो, झाड़ू पोछा लगा लो, लेकिन जो फैला फैला रहेगा कुछ भी सामान तो अच्छा नहीं लगेगा और ऐसा भी नहीं लगेगा कि हमने क्लीनिंग की। तो यहाँ पर देखो, मैंने अपना बियर्ड सही कर लिया है और यहाँ पर मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में। वैसे तो हमारा वो भी बेडरूम ही है, लेकिन यहाँ पे कोई सोता नहीं है तो हमने स्टोर रूम जैसा ही बना लिया है। तो यहाँ पे मैं साड़ियाँ करने के लिए बैठती हूँ, तो जो भी साड़ियाँ थी उसने उसको मैंने इस बैग में भर के रख दी है। और ये मितांश के खिलौने हैं, जो यहाँ पे मैं साड़ियाँ करने बैठती हूँ तब वो आके खेलता है। वो इसको भी मुझे सही जगह पर रखना है क्योंकि वो खेल के चले जाता है, लेकिन बाद में सभी सभी खिलौनों को सही जगह पे मुझे ही रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने जो जो भी सामान इस बेड पे पड़ा हुआ था सभी को मैंने अपनी जगह पे रख दिया है। और इसको बेड को मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, साफ़ कर लूँगी, क्योंकि वैसे तो यहाँ पे कोई सोता नहीं है, ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है, लेकिन उसे सही साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने बिल्ड को कंप्लीट कर लिया है और मितांश के खिलौने हैं जो मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो देखो, इस तरह से खिलौने को मैं सजा के रखती हूँ, जो उसको जब भी चाहे वो ले लेता है। तो वो रूम भी मेरा कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे मैं आ गई हूँ लिविंग रूम में। तो लिविंग रूम में ज़्यादा कुछ ठीक करना नहीं होता है क्योंकि ज़्यादा सामान नहीं रखा है लिविंग रूम में, तो फटाफट से हो जाता है। सिर्फ ये सोफ़ा का जो चादर है उसे सही करना होता है और जो कबट है और टिपो है इसको ही मुझे कंप्लीट करना होता है। बाकी तो सभी सामान कुछ भी सामान रखा हुआ नहीं है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे वो भी मेरा कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पहले मैं सभी रूमों में झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद पोछा करूँगी। तो यहाँ पे तकरीबन मॉर्निंग के 10-10:30 बजे हो गए। तो यहाँ पे पहले मैं झाड़ू लगा दूँगी, उसके बाद पोछा लगाऊँगी फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहना और वीडियो को फुल वॉच।
फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मेरा झाड़ू पोछा कंप्लीट हो गया है और मुझे लंच भी बनाना है। तो मैंने लंच की तैयारियाँ पहले से करके रखी हुई थी, तो आज लंच में बनाऊंगी दाल चावल सब्जी रोटी। और हमारे यहाँ पे मॉर्निंग में दाल चावल बनते ही है। और सब्जी में बनाने वाली हूँ आज मैं भिंडी की सब्जी। तो यहाँ पे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, मैंने दाल चावल और आटा भी लगा के रख दिया था और दाल चावल भी मैंने पकने के लिए रख दिए थे, वो भी पक गए थे। तो यहाँ पे मैं पहले भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं अपनी भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो पहले मैंने अजवाइन डाल दी है, उसके बाद मैंने डाल दी हल्दी, और यहाँ पे मैंने दो प्याज कट करके रखे हुए थे वो डाल दूँगी और अच्छे से भून लूँगी। ज़्यादा पकाना है नहीं है, सिर्फ सामान ही पकाना है। उसके बाद मैं डाल दूँगी उसमें लहसुन की पेस्ट जो मैंने बना के कंप्लीट रखी हुई थी, तो वो भी मैं डाल दूँगी। और वो जो अच्छे से पक जाएगी तब मैं डाल दूँगी कटी हुई भिंडी। तो यहाँ पे मेरी भिंडी पक के रेडी हो गई है। तो इसमें मैंने डाल दिया है एक कटा हुआ टमाटर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च डाल दूँगी। और इसके बाद मैं डाल दूँगी नमक, और नमक डालने के बाद सारे मसाले को मैं मिक्स करके उसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है और इसको मैं मिक्स कर दूँगी। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मेरी भिंडी की सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। उसके बाद हम खाना खाने बैठ जाएंगे। तो आज खाने में बनाया है दाल चावल सब्जी और रोटी और छाछ बनाई है। तो यहाँ पे मेरा खाना रेडी हो गया है, आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर जो भी नए आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.